अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं या तो ट्रेन से जाऊंगा या बस से जाऊंगा या बाइक से जाऊंगा या कार से जाऊंगा। इन ऑल केसेस मैं उनमें बैठ जाऊंगा, वो मुझे कैरी करेंगे और वहां ले जाकर छोड़ देंगे। तो भैया कभी सिग्नल के बारे में भी सोच लेते कि सिग्नल को कौन कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक। और ये ही सोच कर हमने बात करी मॉड्यूलेशन की। हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन है क्या? अगर मैं एक नॉर्मल सी इक्वेशन देखूं तो मेरे पास एम्पलीट्यूड होता है, मेरे पास एंगल होता है अंदर। अगर बिल्कुल सिंपल लॉजिक में बात करें तो y is equals to a sin omega t, यानी कि मेरे पास एम्पलीट्यूड है, मेरे पास अंदर एंगल है। दो चीजें दिखी। अब एंगल के अंदर देखो फ्रिक्वेंसी दिख रही है कि नहीं। तो एक्चुअली में एक वेव के पास तीन चीजें हैं जो हम बदल सकते हैं, एम्पलीट्यूड, एंगल और फ्रिक्वेंसी। एंगल मतलब फेज की बातें कर रहे हैं हम। तो इसीलिए मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरियर इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल, जो भी आप बोलना चाहो। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब जिसको मॉड्यूलेट करने वाले हैं हम लोग, या आप इसको बोल सकते हो मैसेज सिग्नल भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब क्या बदलने वाले हो आप? कैरियर की कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स बदलने वाले हो। किसके अकॉर्डिंग बदलने वाले हो? आप बदलने वाले हो अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। यानी कि या तो आप कैरियर का एम्पलीट्यूड बदलने वाले हो, या फिर आप कैरियर का फेज बदलने वाले हो, या फिर आप कैरियर की फ्रिक्वेंसी बदलने वाले हो। इन तीनों चीजों में से आप कोई ना कोई एक चीज बदलोगे। किसके अकॉर्डिंग? मैसेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग। बाबा जी समझ नहीं आ रहा ऐसा कर क्यों रहे। तो पहली बात तो इतना समझ लो कि या तो मैं एम्पलीट्यूड बदलता, या मैं फ्रिक्वेंसी बदलता, या मैं फेज बदलता। तो एएम हो गया, एफएम हो गया, पीएम हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। बट बाबा जी जरूरत क्या पड़ रही है बार बार? आप बोलना नहीं चाह रहे हो क्या कि जरूरत क्या पड़ रही है? अरे जरूरत भी आ गई ना अपनी। अब अगर जरूरत बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी कि हमें अगर ये नहीं होता तो हो क्या जाता हमारे साथ? इतनी प्रॉब्लम हो सकती थी, आप कुछ नहीं सुन पाते यार। एएम एफएम कुछ भी नहीं सुन पाते हम, सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पाते अगर ये नहीं होता। सिक्योरिटी के लिए इनकोडेड नहीं कर पाते हम सिग्नल को, अगर हम मॉड्यूलेशन की बातें नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करूं तो आप कहोगे वाह मजा आ गया, मॉड्यूलेशन ने तो बहुत मदद करी। तो ये टॉपिक ही ऐसा है, इतना मजेदार टॉपिक है, इसको समझते जाओ और दिमाग में बैठता चला जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं अब अपन, इतना समझने के बाद कितने टाइप का होता है और मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है, अपन आते हैं नीड फॉर मॉड्यूलेशन पे। सबसे पहले एक बात बताओ, आपके शहर में कितने सारे एफएम के चैनल हैं? होंगे 4, 5, 3, 2, 1, एटलीस्ट 2 तो हैं। अगर 2 सिग्नल्स हैं, अगर उन्होंने सपोज करो सेम फ्रिक्वेंसी पे अपने ट्रांसमिट करना स्टार्ट करा, एक बजा रहा है रॉक और एक बजा रहा है क्लासिकल, और अब जब दोनों मिक्स हो गए तो आप तो रीमिक्स सुन रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, क्योंकि आप या तो रॉक को सुन रहे होते हो या क्लासिकल को सुन रहे होते हो, और आप उस फ्रिक्वेंसी पे ट्यून होते हो। तो इंटरमिक्सिंग को अगर कोई बचाता है सिग्नल्स की तो वो बचाता है मॉड्यूलेशन। तो इंटर टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ अ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर, इसको बचाने के लिए, इन सबको सिग्नल्स को अलग अलग रखने के लिए हम क्या करते हैं? हम मॉड्यूलेशन करते हैं। तो पहली चीज हो गई कि इंटरमिक्सिंग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड, टू रिड्यूस दी हाइट ऑफ एंटेना। हाइट ऑफ एंटेना को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे रब करना पड़ेगी डेफिनेशन। मैं पॉज करता हूं, आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिस बात का मुझे डर था, जो मैं समझाना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था कि पैर के नीचे की जमीन सरक जाएगी, वो यही था। हाइट ऑफ एंटेना, अगर मेरे पास एक सिग्नल है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 3000 हर्ट्ज, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाय एफ, सी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ। स्पीड ऑफ लाइट रखा, फ्रिक्वेंसी रखा, मेरा लैम्डा आया 10^5 मीटर। जैसे ही मेरा 10^5 मीटर आया, अगर मैं हाइट निकालूं तो हाइट आ जाएगा लैम्डा बाय 4।
अप्रोक्सीमेटली, तो यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करके सॉल्व करूं तो ये आ रहा है 25 किलोमीटर. 25 किलोमीटर लंबा एंटेना बनाना पड़ेगा, दैट टू बहुत कम पावर को रेडिएट करेगा जो नेक्स्ट पॉइंट में है. इतना कर पाएंगे क्या हम? नहीं कर सकते. तो हमने क्या करा, हमने एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की बात करी. अगर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल की बात करें और आप सॉल्व करो तो वो हाइट ऑफ एंटेना आ रही है 0.025 मीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर. कहाँ 25 किलोमीटर, कहाँ पे 0.025 मीटर. क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सारे आंसर मॉड्यूलेशन ने दिए. हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जिसकी वजह से वेवलेंथ कम हुई, जिसकी वजह से हमारी हाइट ऑफ एंटेना भी कम हो गई. तो बहुत सारा एडवांटेज मिला जब हम स्मॉल और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर कैरी कराएंगे. कैसे कैरी कराएंगे, उसकी या तो एम्पलीट्यूड बदले, अभी दिखाता हूँ आपको मॉड्यूलेशन दिखेगा, है ना. तो एम्पलीट्यूड या फ्रिक्वेंसी या फेज, इन तीनों में से कोई एक चीज़ बदलने वाली है. अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर. तो हाइट ऑफ एंटेना क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द एज पावर रेडिएटेड बाय एंटेना इज 1/λ² जो एनर्जी पर सेकेंड निकल रही है एंटेना से, वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होती है. अगर ऐसा होता है तो वेवलेंथ ज़्यादा तो पावर रेडिएटेड कम, और अगर वेवलेंथ कम तो पावर रेडिएटेड ज़्यादा. वेवलेंथ कम कब होती है, जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, इन्वर्स चल रहे ना. तो अगर मेरी वेवलेंथ ज़्यादा है तो पावर रेडिएटेड कम, वेवलेंथ कम मतलब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पावर रेडिएटेड ज़्यादा. इसीलिए मैंने फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बढ़ा दी तो मैं पावर रेडिएटेड भी बढ़ा पाऊँगा, सिग्नल ज़्यादा दूर तक जा पाएगा, कम हाइट ऑफ एंटेना से मैं ट्रांसमिट कर पाऊँगा. मेरे मोबाइल में अब मुझे बार बार वो लंबी सी डंडी निकालने की ज़रूरत नहीं है. पहले रेडियोज़ जो होते थे उनमें बोलते थे एंटेना खोल लो अभी सिग्नल आने लगेगा, ऐसे सिग्नल नहीं आता था, और जब एंटेना स्टार्ट ओपन करते थे तो सिग्नल आने लगते थे. भैया वो यही कहना चाह रहा था तुमको कि सिग्नल तभी आएगा जब हाइट ऑफ एंटेना अपने पास होगी रिसीव करने के लिए. इस सेक्शन में हमारे पास नीड ऑफ मॉड्यूलेशन से ये समझ में आ गया कि किन किन पॉइंट्स पर हमें वर्क करना है ताकि हम सिग्नल को मॉड्यूलेट कर पाएं. अब हम लोग डिटेलिंग में जा रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की.